आज़ाद कश्मीर में सस्ती बिजली ऐं सस्ते अटे जे फराहमी जे लाइ टे ॾिहाड़े पे हड़ताल। सॼी माथरी में समूरा कारोबारी मर्कज़ ऑफिसूं ऐं तालीमी इदारा बंदि रहिया। मीरपुर में कलम 144 लागू। पुंज ऐं मुज़फ़राबाद में रेंजर जी वॾी नफ़री मुक़ररु। अवामी एक्शन कमेटी जे मीरपुर खां मुज़फ़राबाद ॾांहुं मार्च ॿिए ॾींहुं बि जारी। काफ़िलो समूरियूं रंडकूं टोड़े पुंज जे हदनि में दाख़िल। जराई जे हंध वटि पुलिस ऐं मुज़ाहिरनि में चकरियूं। पथराव सबबि ASP मीरपुर समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मी। मुज़फ़राबाद समेत समूरनि ज़िलनि में छिकताण बरक़रार। आज़ाद कश्मीर जा मसला ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कया वञनि। समूरा स्टेक होल्डर सबर जो मुज़ाहिरो कनि। आज़ाद कश्मीर जी आवाम जे मुतालबनि खे कानून मुताबिक़ पूरो करणु घुर्जे। आवाम जी शिकायतुनि ते वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ॻाल्हाईंदुसि। आज़ाद कश्मीर जे समाजी ऐं इक़्तिसादी तरक़ी खे तरजीह ॾियणु घुर्जे। सभु ज़िमेवारी सां कमु कनि त जीअं दुश्मन हालतुनि जो फ़ाइदो न खणी सघे। सदर आसिफ अली ज़रदारी जी आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असेंबली में पीपल्स पार्टी जे मेंबरनि सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं। मेंबरनि पारां सदर आसिफ अली ज़रदारी खे कश्मीर ताज़नि अफ़सोसनाक वाक़िअनि जे हवाले सां ब्रीफिंग। बदकिस्मतीअ सां कुझु माण्हू सियासी पॉइंट स्कोरिंग जे लाइ ॿाहिरि निकिरी ईंदा आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां आज़ाद कश्मीर जी सूरतहाल ते ॻणितीअ जो इज़हार। चवण आहे त कंहिंखे बि क़ानून हथ में खणण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म सां मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल थी आहे। पुरामन एहतजाज ऐं ॻाल्हियूं जमहूरियत जो हुसन आहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बात मानती है कि कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुआ और फेयर ट्रायल नहीं था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का 90% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 तक अमल दरामद की थी। 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड एक्सेट्रा, बोले जो बात 10% रह गया था वो हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स था, जिससे हमने ये दो ऐसे शरायत है हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जिस पे हमने आज तक अमल दरामद नहीं की। और जबकि मैं समझता हूँ कि अब इतना तारीखी फैसला आया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जुडिशल रिफॉर्म्स ले आने का कोशिश हम नहीं करते हैं तो फिर हम अपना जिम्मेदारी पे अपना फर्ज पे हम पूरा तरीके से नहीं उतर पा रहे हैं। भुट्टो रेफरेंस बाबति सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो पीपल्स पार्टी जी डिघी जदोजहद जो नतीजो आहे। सुप्रीम कोर्ट तस्लीम कयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सां नाइंसाफ़ी थी, संदसि अदालती क़त्ल थियो। चाहियूं था त भुट्टो जे अदालती क़त्ल जहिड़ा फ़ैसिला ॿीहर न थियनि। असांजी कोशिशि हूंदी त जुडिशल रिफॉर्म्स जे अणपूरे सफ़र खे मुकमल करे सघूं। अदालत पाण बि सुधारा आणणु चाहे थी, पर इहा पार्लियामेंट जी ज़िमेवारी आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो लाहौर में भुट्टो रेफरेंस बाबति सेमिनार खे ख़िताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती एजेंडा पे बहुत सा तंकीद हो, मगर अब इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद चाहे वो वफाकी हुकूमतें हो या सूबाई हुकूमतें, तमाम हुकूमतें ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर को अपनाया है। हमारा जो सिक्योरिटी का हालात है, जो दहशतगर्दी के वाकया हैं, वहाँ पाकिस्तान को खतरा है। और अगर पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान की कायदीन, पाकिस्तान के सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, जो पाकिस्तान का ऐसा सियासतदान है जो अपने ज़ात से आगे नहीं देखते, अपनी ज़ाती मफाद के अलावा मुल्क के मफाद में दिलचस्पी नहीं लेते, तो फिर इतने बड़े मसले का हल निकालना या पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं। 2022 जी ॿोर मुतासिरनि जे बहाली लाइ कमु करे रहिया आहियूं। असां 21 लख घर ठाहिण जो इरादो कयो आहे। घरनि जे अॾावत जे लाइ फंडिंग जो बंदोबस्तु थी वियो आहे। हिन वक़्तु 6 लख जे लॻभॻि घर तामीर हेठां आहिनि। अटिकल 1 लख घर ठही विया आहिनि।
सिंध रे वे वजीर मुराद अली शाह हैदराबाद प्रेस क्लब में मीट द प्रेस के खिताब चवे तो सिंध रे आवाम के मुफ्त बिजली देने से गड सेहत के शोबे में भी बेहतरी के लिए कदम खनी रहा हूं। हैदराबाद समेत सारी सिंध में पीने के साफ पानी के मनसूबन से कम हली रो है। बिलावल भुट्टो जरदारी टास्क दिनों है तो सिंध अंदर साफ पानी हर शहरी हर पाड़े हर गोठ तीन पहुँचाण है। असा के तालीम के शोबे से भी कम क्यों पा जैसे हाने को स्कूल उन करे बंद न हों तो उस्ताद ना है। 7000 उस्ताद 2023 में मुकर्र किया हुआ जिनकी ट्रेनिंग भी मुकम्मल की वही है। असा वजीर हरी कार्ड से कम कर रहा है। अड़ी रीत बेनजीर लेबर कार्ड के भी अगते बताइंद मटा सटा वारा नाणे जा जखीरा 9 अरब डॉलर्स का टपी वया। रुपये जो मुल्ह मुस्तहकम महंगाई में घटाई अची रही है। हुकूमत जो कम पॉलिसी ठाण है कम निजी शोबे के करणो है। बोहरान मां निकरण लाए प्राइवेट सेक्टर के लीड करणो पवंदो। पघारदार तबको भी टैक्स नेट में शामिल है। व्यापारी बिरादरी के भी टैक्स नेट में आणो है। असा के स्ट्रक्चरल सुधारन की जरूरत है। नाणे वाले वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब जो लाहौर में प्री बजट सेमिनार के खिताब सिंध चवड़ा है तो आई एम ए वफद से शुरुआती गालू अज थियण एफ बी आर जो ट्रैक एंड ट्रेस वो कदम नाकाम रो है। आई एम ए वफद नैथन पोर्टर की क्यादत में इंदड़ हफ्ते पाकिस्तानी अख्तियार से गालू कल मकसद बेहतर मजबूत गवर्नेंस जो बुनियाद रखना है। पाकिस्तान से गाल में लचकदार मुआशी तरक्की जो बुनियाद रखने गाली आई एम एफ की नुमाइंदा एस्थर पेरिस जो बयान। बारह मई जड़न वाक्य में सबक सीखण की जरूरत है। समूरन सियासी धुरन के मुल्की मुफाद लाए मुतहद थियणो घुर्जे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो 12 मई सानहे के 17 साल मुकम्मल थियण ते पेगा। 12 मई 2007 ते पुरतशद्दुद वाक्य में शहीद जख्मी थियल जियालन बिन जमायतुन के कारकुनन के खराज अकीदत पेश। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो चवण है नफरत विर्च तशद्दुद की सियासत के दफन करण उन जगह से एक रोशन खुशहाल पाकिस्तान दा वींदर रस्ते के इख्तियार करण की जरूरत है। कदकोट में सी सेक्शन थाने जी हद बाहू पुलिस पिकेट से हथियारबंदन जो हमलो। एक पुलिस अहलकार अगवा पुलिस जवानों की फायरिंग में एक डुहारी भी मार चुका है। ब डुहारी जख्मी एसएसपी बशीर बिरोही मुजब हथियारबंद एक पुलिस अहलकार नवीद जखरे के अगवा कर पाया। पुलिस की फायरिंग में डुहारी दिलबर मलिक मार चुका है। मार्च में डुहारी मथा जिले के मुख्तलिफ थानों से 20 केस दाखिल थियल जिले अंदर डुहारी खिलाफ ऑपरेशन हली रो है। डुहारी के कें भी रीत बख्श न किया वो। सखर के इलाके सिंगरार में अगवा थी वेल बारड़ी प्रिया कुमारी के पुलिस बाजियाब कराने में नाकाम। सिंध के मुख्तलिफ शहर में कौम परस्त तंजीमन सियासी समाजी धुरियन सहाफिन पारा प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाए एहतजाजों सिलसिलो जारी। नुशर फिरोज सखरण कुंडरी नसीराबाद डोकरी कुंभ और बेन शहर में मुजाहरा किया गया। सोबतपुर में 1.5 महीनों अगोरताने आवाज से रखी अगवा थे नौजवान बाजियाब थी घर पहुंची वो। वारसन में खुशी की लह औरताने आवाज से रखी अगवा थे नौजवान अली नवाज सुगरो बाजियाब थी घर पहुंचो। वारसन शहर के से गुलन जा हार पाराया इलाके में राजूनी कोशिश जरिए बाजियाबी जा पीर जो बोर्ड भरसा शादी की तकरीब में फायरिंग गोली लगन सबब एक नौजवान मार एक जख्मी शादी जो खुशू मातम में तब्दील। गोठ फतेहपुर में शादी की तकरीब दौरान नौजवानन खुशी वचा फायरिंग कई गोली लगन सबब नौजवान सहीम थेबो मार नौजवान अमीन थेबो जख्मी थी पो। पोती जो लाश जख्मी के अस्पताल मुंतकिल वो इलाके में सोग की लहर छाए। तो
गौसपुर वेझो गोठ गफूर डहानी से हथियारबंद लीका फायरिंग सबब एक जणो मारज वयो एक जख्मी पुलिस वाकवारे हंध पहुती मकसूद जो लाश जख्मी के अस्पताल में मुंतकिल कयो। पीर जो गोठ में मंगणे जा नारे जा तकरार जो निबेरो 1,99,00,000 रुपया डंड पीर पागारे के हुक्म से दरगाह पीर जो गोठ में मौजम अब्बासी की सरपंची में निबेरो थो बिन्हीं धुरियन से मजमुई तौर से 1,99,00,000 रुपया डंड विधो वो सरपंची मौजम अब्बासी है तो इंसानी जानू कीमती हैं जड़ा इलाके की तबाही जो कारण बनल है। को भी सेहत खाते वो को असठ में तकरीबन सब नंढड़ा बार उरड़ी में वरतल है मुझे घर जो ही बो बार फोत थोड़ो कल फोत थोड़ा बो अज थोड़ा वो हुकूमत का को सेहत खाते वो मू को मोकिल पुट ने उरड़ी के मुबतला उम्र में जामशोर में दाखिल हो जो 6 दिन 7 दिन उत दाखिल जामशोर में लावार सब मन पा हूँ नंढा बार असा मुतालबो है सेहत खतरा खान का पावर तो वे इनको इलाज कर सिंध मुख्तलिफ़ इलाकन में उरड़ी के वबा के हिसाब तो अची नो सन समेत मांझन इलाके में उड़ी विघे मारलन के फौत थियण जो सिलसिलो जारी वजी बाड़ो उड़ी विघे फौत गोठ संघार कोसे में बाड़ो समीउल्ला कोसो उड़ी विघे दम दिनो गुजर ॾींहुं साॻे ई गोठ में निगरी सफीना कोसो बि फौत थी वई हुई। विरियासरी के गोठ जलबाणी में बागड़ी बिरादरी जा केतिरा ई बाड़ा उड़ी के मर्द में मुबतला ॻोठाणनि पारां सिहत खाते के वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स की टीम मोकिलण जो मुतालबो। माँ खुदा तरफों एक अड़ो तोहफो है जो को भी अनमोल ना है वो एक अड़ो गुल है जो रही दुनिया तीन समूरी दुनिया के अंदर खुशबू विखेरी रो माँ की अमी से खिदमत क्या उदुर सलाम जदी सा सुबह जो रुख उठी रुगो माँ पी जो ऐसो दीदार को तक सवा मिल बच्चों के लिए तो भाई सब कुछ जान भी हाजिर है कुर्बान है लेकिन बच्चन ही समझता है। पाकिस्तान समेत सारी दुनिया में मायरुन जो आलमी दिहाड़ो मल्हाए पे वने दिहाड़ो मल्हाण जो मकसद मुआशरे में जीजल अमर सा मोहब्बत ई एहतराम जो इजहार करना है। सियाहत सकाफत खाते तरफा लोक विरसा इस्लामाबाद में रिधम ऑफ वेंडर्स के उर्मान सा प्रोग्राम सिंधड़े सियाहत सकाफत वे वजीर ज़ुल्फ़िकार शाह के खास मेहमान तौर शिरकत सनम मारी मांझी फकीर अहमद मुगल सैफ समेजो बन फनकार पारा सुरन की वर्खा सूबाई वजीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह चवण है तो सिंध जो कल्चर मोहब्बत जो कल्चर है पंजाब के दोस्त के दावत दियं था तो वे सिंध में तारीखी और सियाहती हंधन जो दौरों कन असा के समूरन सूबन के बोलियन सकाफत के गंढो है वफाकी हुकूमत से गड़ी नारदरन एरियाज में हेल्प डेस्क ठाईदी जिन सियाहन के तकलीफू अचन थी उन मदद कदी।
गजा में इंसानियत जो कत्ले आम न रुक सको। इसराइल पारा हवाई ए जमीनी हमला जारी। गुजरियल 24 कलाक के दौरान 3 फलस्तीनी शहीद थी वया। फलस्तीन के सेहत वाली वजारत मूजिब 7 अक्टूबर का जारी इसराइली हमलन में शहीद फलस्तीन जो अंग 25 का वधी वयो। शहीदन में 15,000 मारड़ा शामिल। इसराइल के हमलन में इन वक्त ताई 78,755 फलस्तीनी जख्मी थी चुका। टी20 मैच में पाकिस्तानी आयरलैंड विच में मुकाबलो जारी। आयरलैंड की कौमी टीम के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान पारा टॉस कटे फील्डिंग करने जो फैसलो किया। बरसात सबब मैच देर से शुरू थी। पहली टी20 में आयरलैंड पाकिस्तान खिलाफ तारीखी कामयाबी मानी हुई। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो फाइनल खेलने का कौमी हॉकी टीम मलेशिया का वापस देह पहुंची वही। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राणा मशहूद पारा लाहौर एयरपोर्ट से हॉकी टीम की आजिया। कौमी हॉकी टीम के कप्तान अमाद पर है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में समूरन रांदीगरन सुठी कारकर्दगी दिखारी। इो वक्त जल्द ही जैसे पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो चैंपियन बणजो। वजीर आजम तरफा हॉकी टीम के हर रांदीगर लाए 10,00,000 रुपया इनाम जो ऐलान। तूफानी बरसात आयल वो दखण ब्राजील में तबाही मचाए छी। कुदरती आफत के नतीजे में मुख्य वाक्यन दौरान 136 मानू फौत सवे जख्मी और गुम लखे मानू बेघर थी वया। 537,000 का मानू लड़ पलान से मजबूर। बोर सबब 92,000 का घर तबाह। रेस्क्यू ऑपरेशन जो सिलसिलो जारी।